ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल कंडक्शन, ऊष्मा चालन। प्रीवियस वाला हमने विस्कोसिटी का पढ़ ही लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा का वैसा ही है, सेम वो का वो ही काम करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, माना किसी कंटेनर में दो प्लेटें हैं, ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर है ये प्लेट ए बी एंड सी डी है, ये है ए बी और ये है सी डी। इन दोनों के बीच में गैस है, ओके और इनके टेम्परेचर टी वन और टी टू है। तो ये टेम्परेचर जो है वो टी टू हो जाएगा और यहाँ का टेम्परेचर कितना है, टी वन है। स्टेडी स्टेट में अगर अपन देखें तो जो गैस है वो अपन पैरेलल लेयर्स से बनी हुई मान सकते हैं, लेयर के ऊपर लेयर जो है गैस की वो फ्लो हो रही है। अब हमें ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, यानी किसी एक डायरेक्शन में टेम्परेचर को बढ़ता हुआ मानना पड़ेगा। तो जैसे जैसे लेयर की ए बी से डिस्टेंस बढ़ती जाती है, हम ये मानते हैं टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। तो जेड डायरेक्शन में ग्रेडियंट जनरेट हो जाती है, डेल टी अपॉन डेल जेड, ठीक है। और डिस्टेंस वही लेनी है, वही पी क्यू और आर, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने लेयर ली थी, पी क्यू आर सेम टू सेम वही है यहाँ पे। तो पी की जो डिस्टेंस है वो जेड प्लस लेमडा है, क्यू की डिस्टेंस जेड पे है, आर की डिस्टेंस जेड माइनस लेमडा पे है, और टेम्परेचर देते हैं पी का कितना हो जाएगा। तो डेल्टा जेड डिस्टेंस पे जाने से अगर टेम्परेचर में चेंज आता है डेल्टा टी, तो लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल करने से कितना आएगा, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा जेड मल्टीप्लाई बाय लेमडा, यानी इतना टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा। तो यहाँ का टेम्परेचर अगर टी माने, क्यू वाली लेयर जो है उसका टेम्परेचर अगर टी माने, तो जेड प्लस लेमडा यानी कि लेमडा डिस्टेंस जानने पे यहाँ से यहाँ तक में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो गई, लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल हो गई। तो लेमडा डिस्टेंस पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टी प्लस लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड। सिमिलरली नीचे कितना हो जाएगा, टी माइनस लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से नीचे वाली लेयर जो है, यानी ये जो आर वाली लेयर, इसका टेम्परेचर कम है तो ये क्यू को ठंडा करने की कोशिश करती है, और पी का टेम्परेचर ज्यादा है तो पी उसको गर्म करने की कोशिश करती है। ये यहाँ पर इस वजह से हीट का वो होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। हीट का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, टेम्परेचर देखो एक लेयर का ये हो जाएगा, एक लेवल लेयर का ये हो जाएगा, यही बताया आपको। अब हमारे पास कितने, वही सिलेंडर वाला काम आपको करना है कि कितने मॉलिक्यूल जो है वो नीचे जाएंगे ऊपर से और कितने मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आएंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था 1/6 nC bar, इतने मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे और इतने ही मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे। तो यहाँ पर बनाया हुआ है, ये देखिए ये वाले नीचे जाएंगे और ये वाले ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगे। तो आप ये थ्योरी जो है वो थ्योरी सेम टू सेम प्रीवियस वाले लेक्चर की तरह, इसलिए मैं वापस नहीं समझा रही हूँ, वही n/3 फिर n/6 और mn/6 करके यहाँ पर हो रहा है। और हमें पता है कि इक्विपार्टीशन थ्योरी से हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी 1/2 kT होती है। तो एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, अगर हर अणु के पास में, एक मॉलिक्यूल के पास में एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, 1/2 f kT होगी। अब 1/2 f kT होगी तो उसका टेम्परेचर जो है, अब देखो ये वाली लेयर हमारे पास क्यू थी, यहाँ पर हमारी लेयर जो थी पी थी, पी से नीचे की तरफ कितने अणु आए, nC/6। तो nC/6 मॉलिक्यूल आए, एक अणु कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, 1/2 f के 3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पी में जो मॉलिक्यूल था उसका टेम्परेचर कितना था, टी प्लस लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड, ये टेम्परेचर था उसका। तो एक अणु की एनर्जी इतनी है और कितने अणु ऊपर से नीचे आ रहे हैं, nC/6। तो टोटल एनर्जी, टोटल हीट कितनी आएगी नीचे, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो nC/6 से, जो कि यहाँ पर किया हुआ है। सिमिलरली आर के बाद में, आर जो लेयर है, आर यहाँ पे है, क्यू ऊपर है, तो ऊपर से जब यहाँ पर मॉलिक्यूल जाएंगे तो एक पार्टिकल जो है वो कितनी एनर्जी लेके जा रहा है, 1/2 k, और टेम्परेचर के लिए कितना हो जाएगा, टी माइनस लेमडा डेल टी अपॉन डेल जेड। तो nC/6 मॉलिक्यूल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा। तो कुछ हीट ऊपर जा रही है और कुछ हीट नीचे आ रही है। तो अगर हम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में नेट परिणामी हीट का देखें, तो जो ऊपर की तरफ जा रही है माइनस जो नीचे की तरफ आ रही है, उसको माइनस कर देंगे, माइनस करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि सीवी का फॉर्मूला क्या होता है। हम जानते हैं कि एफ 1/2 f RT जो था वो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला था, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था। और सीवी जो था वो कितना होता था, DU/DT होता था। तो यहाँ पर अगर टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना बचेगा, 1/2 f × R बचेगा। तो ये सीवी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1/2 f R हो जाएगा।
इस 1/2 Fr को, बिकॉज ये हमने कौन सी ली है, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है ये 1 मोल की स्पेसिफिक हीट है। तो इसको अगर अपन मान लेते हैं MCV, कैपिटल MCV, आप नहीं माने या मान लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसको कैपिटल MCV की तरह भी लिखा जा सकता है, जहाँ जो स्मॉल CV है, छोटा CV और बड़ा CV के बीच में डिफरेंस याद रखना। छोटा CV जो है वो है एकांक द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा, दिस इज स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास, और एम जो है आपका मॉलिक्यूलर वेट है, और एन आपकी अवगाड्रो नंबर है। तो आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, यहाँ से अगर निकालेंगे देखो 1/2 Fr जो है उसको किसके बराबर रखा हमने, एम छोटा वाला सी भी, करेक्ट। तो यहाँ से एफ निकालो, एफ कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2m छोटा वाला सी वी अपॉन आर, ये आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा आपको, करेक्ट। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कैपिटल एम को अपन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एम इंटू एन, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा, एन अवोगाड्रो नंबर है और एम आपके पास एक पार्टिकल का मास है और एम आपके पास मोलिकुलर वेट है, तो आपके पास ये मोलर वेट है जो भी आ जाएगा, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, सिंपल सी चीज है। और इसके बाद आप जानते हैं एन बाय आर को अपन क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, सॉरी 1/k लिख सकते हैं, एन बाय आर को लिख सकते हैं 1/k, क्योंकि हम जानते हैं एन के इज इक्वल टू कितना होता है, आर। तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर ये वाला फॉर्मूला भी आपके पास आ जाएगा, एफ का फॉर्मूला आ जाएगा, इसे इस एफ के फॉर्मूले को, दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जाएगा इक्वेशन नंबर 3 में, कहाँ पे, जहाँ पे एफ रखा हुआ है। तो एफ रख लेना आप, रखने के बाद आपको ये मिल जाएगा, ये एफ का, यहाँ पे एफ था, रख दिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा, यहाँ एम इंटू एन है, उसको रो रख दिया, रो इज इक्वल टू एम एन है, करेक्ट। और हम जानते हैं कि जो थर्मल कंडक्शन है उसके लिए भी हम जानते हैं कि जो फ्लक्स था वो सम कोफिशियंट यानी कांस्टेंट और ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर, ये वाला फॉर्मूला था। तो जे इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, के इस क्यू बाय ए को छोड़ दो भले, माइनस का के डेल टी बाय डेल जेड, और यहाँ से जे यू ये आ रहा है, यहाँ से जे यू, तो एल एच एस दोनों का सेम है, तो आर एच एस के अंदर देखो ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट सेम है, इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट जो है वो किसके बराबर है, के बराबर है। तो यहाँ से हमें के का फॉर्मूला ये मिल जाएगा, या फिर रो के टर्म्स में ये मिल जाएगा। और के फॉर्मूले अपन निकाल सकते हैं, सी बार और लेमडा की वैल्यू रखे, तो सी बार हमारे पास ये होता है 8 kT बाय पाई एम का अंडर रूट, और लेमडा हमारे पास ये होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, स्मॉल सीवी को कैपिटल सीवी के फॉर्मूले में रखें तो स्मॉल सीवी जो है वो कैपिटल सीवी अपॉन एम आ जाता है, तो यहाँ पे कैपिटल सीवी अपॉन एम भी आ जाएगा, ये भी रख देंगे। और यहाँ पर इस एम के टी को प्रीवियस लेक्चर में देखना किस तरह से हमने एम आर टी बाई पाई के टर्म्स में रखा था, तो वो भी आप हमने पास आ जाएगा यहाँ पे, इस एम को और इस के को एन के बाय आर रखा था, राइट, और एम एन इज इक्वल टू कैपिटल एम रखा था, वो देख लेना आप, है ना। तो वहां पर भी हमारे पास ये टर्म आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो के ये तीन फॉर्मूले आ जाएंगे। यहाँ से अगर के का देखें टेम्परेचर, तो के जो है वो टी के रूट के प्रोपोर्शनल, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे के पास की प्रूफ कीजिए थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशियंट जो होता है टी की पावर 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये था हमारा, अब इंग्लिश मीडियम में दिखा देते हैं इसको। सो दिस इज थर्मल कंडक्शन, मैं पोज कर रही हूँ यहाँ पे, ये डायग्राम दिया हुआ आपको और थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिए। एक्सप्लेनेशन मैंने बाइलिंगुअल में ही किया है, पूरा शुद्ध हिंदी यूज नहीं किया है, सो आई थिंक इट विल नॉट बी अ डिफिकल्टी। यहाँ पे मेरे वीडियो के पीछे कुछ पोर्शन छुप रहा होगा, ये सब मैंने बता रखे हैं प्रीवियस लेक्चर में। क्वेश्चन 1 और 2 भी क्लियर थी। यहाँ पर अपन ने माइनस किया उस टर्म को, ऊपर से आने वाली हीट और नीचे से जाने वाली हीट को रिजल्टेंट प्लस डायरेक्शन में देख लिया, तो माइनस जेड वाले को माइनस कर दिया। ये अपन ने एफ के फॉर्मूले दिए थे,
इसमें थोड़ा सा क्लियर पिक्चर है, हिंदी मीडियम की बुक में उतना क्लियर पिक्चर नहीं है। मुझे पता है कमेंट आए थे कि आप इंग्लिश मीडियम वाली बुक को फॉलो कीजिए, बट एक्चुअली इंग्लिश में आपके पास इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे राजस्थान में ज्यादा हैं तो उन बच्चों के लिए नहीं मिल पाता है। फिर भी मैं इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करके नोट्स प्रिपेयर करने के लिए ये डिस्प्ले कर देती हूँ। दोनों डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क फॉर मी एज वेल। दैट्स इट।